माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में शुक्रवार को गड़बड़ी आने से दुनिया भर में इसका असर पड़ा है। सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट और बैंकों में दिखाई दे रहा है। दुनिया के कई बैंकों में लंबी लाइन लग गई है। सर्वर डाउन होने में एयरपोर्ट से विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। स्थिति यह है कि इंडिगो, अकासा एयरलाइंस और स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइंस को विमान उतारने पड़े और उड़ान संचालन में परेशानी हुई। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने कहा कि नेटवर्क के सभी सिस्टम एजर के साथ चल रही समस्या से प्रभावित हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन समेत कई ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं कर रही। सर्वर में खराबी आने के कारण काफी यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए हैं। एक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, दुबई एयरपोर्ट पर एक घंटे से अधिक समय से फंसा हुआ हूँ। चेक इन सर्वर डाउन है, कोई हलचल नहीं दिख रही। यात्रा की शुरुआत निराशाजनक है। वहीं एयर इंडिया के एक यात्री ने कहा कि पायलट ने उड़ान के दौरान घोषणा की कि एयरलाइन यात्रियों के विवरण और सभी यात्रियों के बोर्ड होने की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है। वहीं स्पाइसजेट ने कहा कि हम वर्तमान में उड़ान व्यवधानों पर अपडेट प्रदान करने में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारी टीम इस समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। हमें हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है और समस्या के हल होने पर हम आपको अपडेट करेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि सर्वर में आई परेशानी ने दुनिया की कई एयरलाइंस और एयरपोर्ट पर ऑनलाइन और एयरपोर्ट के संचालन को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है। कंपनी ने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट आ रहे हैं वे ज्यादा समय लेकर घर से निकले हैं।